खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कोटेदार राशन न देकर गरीब महिलाओं को दे रहा है भद्दी भद्दी गालियां। बता दें कि यह मामला वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक के अंतर्गत राखी निवादा ग्राम सभा में कोटेदार घनश्याम दीक्षित द्वारा गरीब महिलाओं को राशन न देकर उनको जाति सूचक शब्दों के गालियों का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि राशन के यूनिट के हिसाब से जो राशन दिया जाता है उसमें भी घटतौली की जाती है। इन बड़े आरोपों के साथ उन्होंने अपना बयान दिया है। आइए दिखाते हैं खबर 7C पे आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष, आज वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक के अंतर्गत इस समय हम लक्ष्मीपुर में मौजूद हैं और लगातार, जैसा कि एक वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस, लगातार लोग उससे परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इसी परेशानी में जो है कोटेदारों का उत्पीड़न लगातार जारी है, जिसमें गरीब लोग हमेशा परेशान नज़र आ रहे हैं। उन लोगों को राशन के नाम पे, उनको यूनिट होने के नाम पे भी राशन जो है घटतौली का आरोप लग रहा है, राशन कम वितरित किया जा रहा है गरीबों को, इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है। तो आज हम उस वास्तविकता को जानने के लिए आज हम पड़ताल में पहुँचे हुए हैं इस लक्ष्मीपुर निवादा ग्राम सभा में, जो कि सेवापुरी ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है वाराणसी जिले के। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हम उनकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि ये वास्तविकता क्या है, क्यों इस तरह का आरोप जो है कोटेदार के ऊपर लग रहा है और क्या वास्तविकता है। तो इस वास्तविकता को जानने के लिए आज हम अपनी खबर 7C टीम के साथ आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ में देखिए तमाम महिलाएं हैं और इधर भारी संख्या में लोग पुरुष हैं और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, लोग मुंह बांधे हुए हैं। तो आइए हम कुछ महिलाओं से जानकारी लेते हैं कि मामला क्या था, क्यों यह मामला जो है कोटेदारों के ऊपर लग रहा है, क्यों कोटेदार राशन कम दे रहे हैं। जी नाम क्या आपका? मालती देवी नाम है जी। मालती जी, आप बताइए कि राशन की क्या स्थिति है, क्या राशन आपको मिल रहा है? राशन नहीं मिला था साहब, दहियो पारी का हम लोग का राशन ऐसा रह गया, 10 यूनिट में 4 यूनिट का राशन देता हुआ, वो भी हमने उनके द्वारे अगर से जाइला था चमार सियार करके गाड़ी दे के भगा देलन वहाँ से कि तुम लोग जाओ, हम चमार सियार हो, हमारे दरवाजे पर राशन आने मत जाना, गाड़ी को फा देते हैं। जी जी। हमने वो दहियो पारी राशन नहीं ले भाई, ये दहियो पारी नहीं राशन ले भाई, बच्चा भूखा मारत बान, हम तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करब कि पहले ये बताइए कि जो आपके यहाँ के कोटेदार हैं उनका नाम क्या है? घनश्याम दीक्षित जी। घनश्याम दीक्षित आपके जो है यहाँ के कोटेदार हैं। हाँ। तो क्या आपको जाति सूचक शब्द की गालियाँ भी देते हैं? गाली देते हैं, भगाते हैं, जिन जिन आते हैं जी बिल्कुल। 10 यूनिट हमार साहब भला 4 यूनिट देता न, उसी में कांटा चोरी भी करत हुआ, बच्चा खैले बिना भी मर जाता हुआ, हम तो यह चाह थैला कि हम लोग का राशन, हाथ जोड़ के बिनती हला कि कतो अंत हम लोग का राशन दिला दीजिए, नहीं बच्चा हम लोग का मर जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि एक जाति सूतक शब्द की गालियाँ भी दिया जाता है उनके द्वारा। तो आइए हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे भी जानकारी। जी नाम क्या आपका? कृष्णावती जी। कृष्णावती जी बताइए आपको राशन मिल रहा है? आज हमने का 7 जने का हौला। हाँ। हमने का 3 लोग के दे लेन, ओह में काटा कम दे लेन जी, कहा जाइए कि चमारो सियारो के बाद में देंगे, हट जाए यहाँ से। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे आप लोगों को जो यूनिट है। हाँ। जो यूनिट अगर 7 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट का राशन नहीं दिया जाता है, 4 यूनिट का ही दिया जा रहा है। हाँ। तो बिल्कुल सुगना जी, सुगना जी बताइए आपको राशन मिल रहा है? नहीं सर, राशन नहीं मिला था, जब मिलबो करी कभी काल के तो वह में 15 जने में 6 जने का राशन देंगे, अब वह में कहीं 35 किलो है तो 20 किलो हुई, अब बोलले पर तो गाड़ी फक्कड़ दें हैं, उल्टा सीधा बोली हैं, कहीं भाग जा राशन न मिली, जाओ अपना ले लो, कारण बजे कहीं कि नहीं हो तो हम लोग खाएंगे क्या साहब, बताओ हम सब तो गरीब आदमी है न, जब हमने के जब वहाँ से सरकारी राशन मिला था अब वहू में चोरी करत हैं तो हमने खाब कौन जी, क्या ठेगदेला हन, भूखन मरत हैं, बनी मजूरी कह के लोग खात हो नहात हो, तो सरकारी राशन हमने के ना मिली तो हमने कैसे खाब जी।
जी बिल्कुल, जैसा आइए कुछ पुरुष भी हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे राशन की, इन लोगों के जो है क्या परेशानी है। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? रामाश्रय नाम है। रामाश्रय जी बताइए, क्या है राशन आपको मिलता है? राशन मिलता है सर 5 यूनिट के जगह 3 यूनिट, उसमें भी जोखने पर 20 किलो के जगह 17 किलो होता है। जी जी। और दरवाजे पर पहुँचने पर कहते हैं 2 किलो 2 रुपया 3 रुपया किलो मिलता है, तो तुम उतना देंगे तुमको कि जितना हम दे सकें, और नहीं देंगे तुमको, हम भी अपना खाएंगे इसमें से, हम हमारा कहाँ से आएगा। यही बात करते हैं सर, और मारने की भी पीटने की धमकी देते हैं हमेशा, हर महीने गाली गलौज उनसे किसी न किसी से होता रहता जी, है। बिल्कुल इस तरह का विवाद है। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी, ये बताइए आपको क्या राशन की स्थिति है? राशन स्थिति ऐसा, जो 35 किलो राशन मिलता है, हमारा गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड है। जी जी। उसमें से जो कि 35 किलो देते हैं, जिसमें कि 30 किलो दिया जाता है जी, 5 किलो कम करके देते थे, उसमें भी जो 2.5 किलो कम राशन होता था जी जी, 30 किलो में जी जी जी। तो बिल्कुल इस तरह का एक माहौल बना हुआ है इस लच्छीपुर में, तो आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि यह जो इस तरह की शिकायत है, इसको कहीं आला अधिकारियों के पास आप लोगों ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, उस जानकारी के लिए भी हम जानना चाहते हैं कि क्या इसकी शिकायत और कहीं आपने SDM से लेकर DM से लेकर किसी और को आपने किया है कि नहीं किया है। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? जी धर्मेंद्र पटेल नाम है सर। जी धर्मेंद्र पटेल जी, ये बताइए कि जो आपके ग्राम सभा की मामला है, तो इसकी शिकायत आपने कहीं अन्य लोगों को दिया अधिकारी? सर, मैं जिला अधिकारी महोदय DM साहब को एप्लीकेशन 4 तारीख को अवगत कराया था जी, जिसमें एक टीम गठित करके जी जी, एक टीम गठित करके जी, CO सदर जी अभिषेक काणे जी जी, और CO जनसा राम आशीष जी जी, और चौकी इंचार्ज अंजनी मिश्रा जी 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 को भेजा गया जी, और उसमें 154 प्रार्थियों का साइन था, जिसमें हम लोग जिला अधिकारी को दिया थे। एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है? जी जी। जो बिल्कुल, तो उस एप्लीकेशन को हमारे चैनल के माध्यम से आप दिखाइए कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया है, थोड़ा उसकी भी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से कैमरामैन से कहेंगे कि उसको जूम करके थोड़ा उसको दिखाएं कि जो है क्या क्या इन्होंने जो है दिया था, जो थोड़ा उसको आप दिखाइए हमारे खबर सुनसी चैनल के माध्यम से कि आपने क्या क्या दिया था, किस किस तरीके का एप्लीकेशन आपने। हम देखिए जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराए थे जी जी जी, जिला अधिकारी महोदय के अवगत पर हमारे यहाँ CO और SO चौकी इंचार्ज द्वारा आए थे, जांच किए, जिसमें 154 लोगों का साइन था, बस 9 लोगों का बयान लिए, और उसमें और जनता चिल्ला रही थी कि मेरा बयान नोट करिए, मेरा बयान नोट करिए, किसी का बयान चौकी इंचार्ज द्वारा नोट नहीं किया गया, उन्होंने अपने मन से उनके पक्ष में लगा दिया। हम लोग फिर उसके बाद SDM के पास गए जी जी, हमने SDM साहब को अवगत कराया जी, हमने उप जिला अधिकारी महोदय रायतला को दिया जी जी, और उनको दो दो बार अवगत कराया कि सर देखिए हम लोगों का समस्या सावधान करिए, नहीं हो रहा है, यहाँ से राशन नहीं मिल रहा, तो अन्यथा किसी दुकान पर ट्रांसफर नज़दीकी दुकान पर कर दिया जाए, और वहाँ से जाकर राशन गरीब जो भी जनता है, जो भी साथी हैं, सबको मिले और सबकी एक हो सके, तो उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की मेरी जी। उसके बाद हम लोगों को 25 तारीख को घनश्याम दीक्षित घर, कोटेदार के घर, सप्लाई इंस्पेक्टर चल कर आए, और वहाँ से लिखित जी बिल्कुल, आपके सप्लाई इंस्पेक्टर कौन है? श्याम मोहन सिंह है जी, वो घनश्याम दीक्षित घर से 25 तारीख को चल कर आए, और वहाँ से नागेंद्र कुमार बागी कोटेदार महंगीपुर हाथी बाजार संतोष कुमार को उन्होंने एक लिखित सूचना दिया कि जो राशन अवशेष बचा है प्रधानमंत्री और 26 अंत्योदय का, आप लोग राशन जाकर वहाँ से उपलब्ध कर लीजिए। तो फिर हमको 7:30 बजे फ़ोन किया गया कि आप 7:30 बजे राशन लें, 7:30 बजे कोई तैयार नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि राशन नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा, आप मेरा जो करना चाहिए कर लीजिए। ठीक है सर। उसके बाद फिर 26 को मेरे पास आए, 25 की मामला है जी, अब फिर 26 को जी बिल्कुल, मतलब जैसा कि ये दिखा रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से कि इन लोगों ने हर जगह जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है। अच्छा, उस जी 26 तारीख को सप्लाई इंस्पेक्टर श्याम मोहन सिंह इसी चौराहे पर आए गांव बस्ती में, कहें कि आप लोगों का क्या समस्या, तो हम लोग सारी समस्या का अवगत कराया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों की मांगों को पूरा करिए, आप लोग कार्ड ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है संतोष कुमार सत्तनपुर बागी के यहाँ, बाकी अभी तक सर मेरा कार्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसकी लिखित दिए हैं श्री सुकेश आपूर्ति सहायक रायतला, कृपया ग्राम सभा राखी वाला कार्ड धारकों की मांग है, मेरे कार्ड को उचित दर विक्रेता नागेंद्र कुमार बागी के यहाँ हस्ताक्षर कर दिया जाए,
आप तत्काल कार्डों के उचित विक्रेता नागेंद्र कुमार बागी के यहाँ दुकान पर शान करके अवगत कराएं। बाकी अभी तक कोई हमको जवाब नहीं आया, कोई सूचना नहीं मिला है। ठीक सर, यहाँ मई महीने का राशन बट रहा है, कोई किसी को सूचना नहीं दिया गया है। आप और यही धमकियां मिल रही हैं बार बार कि जो आपको करना हो करिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल इस तरह का देखिए माहौल बना हुआ है। तो आइए हम कुछ महिलाओं से भी जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगी, शासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं, क्या आप शासन से क्या गुहार लगाएंगी? सर यह है कि जिस स्थितियाँ हमने घमसान किया नहीं जाएंगे, हम लोग के राशन कम देते हैं, जिनाते हैं मारते हैं, तो हमने डरते हैं कब हरी हमने उन सब बरियार हमको कमजोर कितनी मार करेंगे। जी जी, हम लोग के हाथ का विनती है कि हमने नहीं जाएंगे लेकर। जी बिल्कुल, जैसा यहाँ पे ग्रामीणों का एक आरोप है कि इन लोगों को जात सूतक सब्जियों की गालियों के द्वारा नवाजा जाता है, राशन लेने जाते हैं तो इनको जो है इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है कि लोग राशन लेने जाने से वहाँ कतरा रहे हैं, दो दो महीने का राशन नहीं ले पा रहे हैं। एक तो पूरा देश जो है कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ कोटेदार इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं कि गरीब जो है उनके दरवाजे दाने से कतरा रहे हैं, राशन लेने से कतरा रहे हैं, यूनिट कम दे रहे हैं, राशन घटतौली कम दे रहे हैं। इस तरीके का जो है एक माहौल यह बना हुआ है लच्छीपुर नेवादा ग्राम सभा में। जैसा कि हम अपने खबर सिवंसी चैनल में पड़ताल में जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये जो है हकीकत जो सामने आई है, ये खुद यहाँ के जो गरीब महिलाएं हैं वो खुद जो है यहाँ पे आरोप लगा रही हैं। इस तरीके का जो यह आरोप है वो बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसे ही कोटेदारों की जो खामियां हैं उसको उजागर करने के लिए हमारी टीम लगातार पड़ताल में जारी है। तो ऐसे ही लगातार रोचक खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं खबर सिवंसी न्यूज़ चैनल से आशीष कुमार सिंह, लच्छीपुर सेवापुरी ब्लॉक वाराणसी उत्तर प्रदेश।